हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेहर क्लासेस राजूरा। पिछले वीडियो में हमने देखा केपलर्स लॉ, ठीक है। उसके पहले भी हमने केपलर लॉ से पहले देखा इसका वेलोसिटी, और उससे भी पहले ये पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ये चैप्टर के मैंने ऑलरेडी दो पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। आपने अगर वो दो पार्ट नहीं देखे होंगे तो पहले जाके वो दो पार्ट जरूर देख लीजिए। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां से आप ये दोनों पार्ट जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो वीडियो है वो अपना थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बाइंडिंग एनर्जी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वहां से अपन या इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी, आपको बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करना है, एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट का एक्सप्रेशन आपको पता करना है कब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से इसमें, ठीक है, कौन से कंडीशन पे, जब वो रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, तब आपको क्या पता करनी है, बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी क्या है वो समझते हैं। देखो अर्थ के पास, ये सपोज अर्थ है, ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के पास क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। और इस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से उसने उस सैटेलाइट को, अर्थ ने उस सैटेलाइट को पकड़ के रखा होगा, ठीक है। तो उस इन्फ्लुएंस से आपको क्या करना है, स्केप करना है। उस इन्फ्लुएंस से आपको क्या करना है, स्केप करना है। तो उसके लिए लगने वाली जो एनर्जी है उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। समझ में आया क्या, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी रिक्वायर, ठीक है, फॉर अ सैटेलाइट टू स्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल, ठीक है। आपको कहां से स्केप करना है, अर्थ ग्रेविटेशनल से स्केप करना है, अर्थ ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस से स्केप करना है। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कौन सी एनर्जी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो अपने को क्या निकालनी है, बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, ठीक है, किसके लिए, सैटेलाइट के लिए। अब हमेशा एक चीज याद रखिए, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो न्यूमरिकली इक्वल टू टोटल एनर्जी होती है। न्यूमरिकली इक्वल टू क्या होती है, टोटल एनर्जी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना मतलब ही टोटल एनर्जी निकालना। अब टोटल एनर्जी क्या होती है, इट्स अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी। मतलब अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालनी है, ठीक है, वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। अब ये माइनस क्यों होता मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब अपने को सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसको माइनस साइन लगा देंगे तो क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, बराबर है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या लगेगा, काइनेटिक एनर्जी लगेगा और साथ में क्या लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, सही है। तो ये चीजें लगने वाली है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालती है, बाद में क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां से, देखिए क्या लिखा हुआ है। अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग, देखो यहां लिखा हुआ है, अ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अराउंड द अर्थ पोजेसेस द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। जब कभी भी सैटेलाइट आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास दोनों एनर्जी है। अब दोनों एनर्जी क्यों है, पहली एनर्जी ड्यू टू मोशन है, ठीक है, मुझे बताओ अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो उस वो मोशन कर रहा है ना, तो उसके चलते एनर्जी है। दूसरी एनर्जी क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के चलते अर्थ के पास क्या है, एक पोटेंशियल है, गुरुत्वाकर्षण जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी उसके पास है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है, सो कंसीडर, आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, मान के चलो कि सैटेलाइट का जो मास है वो स्मॉल एम है, रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, जो आपका सैटेलाइट है उसका मास स्मॉल एम है, ठीक है। अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट ऑफ एच, अब इसका जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो कितने हाइट पे, यहां दिख रहा है आपको कितने हाइट पे, ये एच इतने हाइट पे, ठीक है। सो अबाउ द अर्थ सर्फेस, अबाउ द अर्थ सर्फेस, समझ में आ गया। अब कौन सी चीजें क्या है वो समझ लो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम इज अ मास ऑफ अर्थ है,
ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ है आपका, ठीक है। आर क्या है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जब यहां रिवॉल्व करता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जब सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो कौन से वेलोसिटी से करता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से। याद रखिए ये कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को ही हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो वीसी क्या हो गया आपका, वीसी हो गया आपका क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब देखो अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है आपका, कैपिटल आर है, सही है। और हाइट कितनी है, एच है। इन दोनों को अगर एड करोगे तो ये टोटल रेडियस निकल जाएगा, जो रेडियस में ये सैटेलाइट घूम रहा है, सही है कि नहीं। अगर मैं आर प्लस एच करता हूं तो ये तुम्हें स्मॉल आर देता है, यहां करेक्शन है, ये स्मॉल आर है, ठीक है। स्मॉल आर इज इक्व टू आर प्लस एच, क्या है ये, स्मॉल आर इज इक्व टू आर प्लस एच, ठीक है, इस चीज को समझ लो, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या पता करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज तुमको काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला क्या है, 1/2 एम वी स्क्वायर, बराबर है, वेयर एम, एम इज व्हाट, मास, मास ऑफ सैटेलाइट, वो तो है अपने पास, लेकिन वेलोसिटी है क्या, नहीं है। तो ये कौन सी वेलोसिटी रहेगी, मुझे बताओ रिवॉल्व होने के लिए कौन सी वेलोसिटी लगती है, स्केप वेलोसिटी की क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी लगती है, और क्रिटिकल वेलोसिटी हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। इसके पीछे का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आई बटन में लिंक आ रहा है, वो जरूर देखिए, मैंने बार बार बोल रहा हूं क्योंकि उसके सिवा आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जाके वो लेक्चर जरूर वॉच आउट कर लो, ठीक है। सो क्रिटिकल वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है, ये फार्मूला है हमने कल के लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, कल ही अपलोड किया था मैंने। तो वीसी इक्वल टू क्या मिला था तुम्हें, वीसी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर, ये स्मॉल आर क्या रहता, हमेशा याद रखो आर प्लस एच, ये टोटल ऑर्बिट का रेडियस रहता है, ठीक है। तो ये मिला था, अब क्या करेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, वन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, ये जो वीसी का वैल्यू है ये वाला, ये पुट कर देंगे इसके अंदर, सही है। अब वीसी, ये देखो ये है आपका वीसी, सपोज वीसी का आंसर क्या है आपका, वीसी का आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाय आर। मुझे वीसी चाहिए या वीसी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि फार्मूले में वेलोसिटी का स्क्वायर है तो आपको इधर स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर स्क्वायर करोगे तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर है। और आपको पता है स्क्वायर रूट को अगर स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायर रूट निकल जाता है, कैसे निकलता है ये चीज पता होगी, क्योंकि देखो सिंपल चीज है, स्क्वायर रूट यानी क्या रहता है, स्क्वायर रूट यानी क्या रहता, स्क्वायर रूट यानी रेस्ट टू द पावर 1/2 रहता है, और उसका पावर और से कितना है, इस चीज का और से कितना पावर है, 2 है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब देखो आसान तरीके से थोड़ा सा बता दो ताकि आपको समझे, ठीक है। अब बहुत छोटी चीज है लेकिन कुछ स्टूडेंट को पता नहीं रहती, फिर इश्यू जाता है, ठीक है। सपोज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, उसका स्क्वायर करने बोला, स्क्वायर रूट का मतलब ही रेस्ट टू द पावर 1/2 होता है, स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट टू द पावर 1/2। अब मुझे बताओ, अब उसका भी क्या है, स्क्वायर है, एक्स टू द पावर 1/2 उसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स टू द पावर, अगर पावर ऐसे रहते तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधा उसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो गेट कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा तुम्हें, x मिलेगा। तो सिंपली इतना याद रखिए, किसी भी स्क्वायर रूट वाले चीज का अगर स्क्वायर करते हो तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से ये वीसी का जो स्क्वायर रूट है वो निकल गया, ठीक है, ये सपोज वीसी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा, 1/2 स्मॉल एम वीसी का, वीसी स्क्वायर का आंसर क्या है, जी, ठीक है, ये जी है, जी कैपिटल एम बाय आर, ठीक है। ये होगी आपकी कौन सी एनर्जी, ये देखो ये है आपकी कौन सी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी निकल गई हमारी, काइनेटिक निकल गई, मतलब एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकल गई। अब बढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, ठीक है, क्या समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। आपको क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है तो आपको जीपी से, जीपी यानी क्या रहता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट कितना होता है, स्मॉल एम होता है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल रहता है स्मॉल जी एम बाय आर,
सॉरी कैपिटल जी एम बाय आर। ठीक है, अब माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि आपको पता है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब अर्थ ने जो है वो सैटेलाइट को अपने तरफ खींच के रखा है बाय द वॉट फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन आया कि समझ जाना कि वो नेगेटिव है। ठीक है, वो कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए ये माइनस साइन आया। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपना पता है कितना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दैट इज जी एम माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, अब देखो इसके जगह रख दो माइनस जी एम बाय आर, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, मास ऑफ द सैटेलाइट, मतलब ऐसा मिलेगा आपको। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम, स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस, टोटल ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, ये अपना क्या निकल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर टू, अपना क्या निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गया। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है, मुझे बताओ क्या निकालनी है, टोटल एनर्जी तो निकालनी थी ना, क्या निकालनी थी आपको, टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इज व्हाट, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आया था, इतना आया था, देखिए ना कितना आया था, 1/2, ये देखो कितना आया था, 1/2 जी एम स्मॉल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर हो गया। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है, इतना अभी निकाला हमने, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है, ये जो आया ना, ये जो आया ना, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, काफी आसान चीज है ये। ठीक है, आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको कॉमन दिख रहा है कि जो आपका यहाँ पे जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, ये कॉमन दिख रहा है, बराबर है, दोनों जगह है। अगर इधर से निकाल लेंगे इसको जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर को, तो यहां बचेगा 1/2। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अगर इसको ऑल से सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आंसर मिलेगा, 1/2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2 माइनस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना मिलता है, -1/2 मिलता है, बराबर है, -1/2, क्योंकि हाफ से अगर 1 गया तो हाफ ही बचेगा, और बड़े बड़े नंबर का साइन दे दो, बड़े नंबर का साइन माइनस है, इसलिए -1/2 बचेगा, बराबर है। ये होगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। ठीक है, तो ये मिलेगा हमें क्या, काय का आंसर मिलेगा, टोटल एनर्जी का आंसर मिला हमको, काय का आंसर मिल गया, टोटल एनर्जी का आंसर मिल गया इतना। ठीक है, इतना मिल गया अपने को। अब ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, इसका रीजन यहां लिखा हुआ है। ठीक है, इसका रीजन यहां लिखा हुआ है, देखिए रीजन क्या लिखा हुआ है कि ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये नेगेटिव साइन इसलिए आई हुई है क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशनल के कारण, ड्यू टू व्हाट, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अट्रैक्शन, मैंने पहले ही कहा था ये नेगेटिव साइन इसलिए आया हुआ है क्योंकि आप जो जो फोर्स से आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब मुझे बताओ आपको अगर अर्थ ग्रेविटेशन से बाहर निकलना है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा आपको, टोटल उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, मिनिमम इतनी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी, सही है, तो इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी है। सो ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, आपको यह फार्मूला याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी जो है वो माइनस ऑफ क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। ठीक है ना, ये देखो ये अर्थ है। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ के कुछ हाइट पे सैटेलाइट को आपको ऐसे घुमाना है। ठीक है, तो मुझे बताओ आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ठीक है, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, टोटल एनर्जी देनी पड़ेगी, बराबर है। और ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू ही क्या रहेगी, बाइंडिंग एनर्जी, जो इस अर्थ ने उसको बाइंड करके रखा है, क्या करके रखा है, बाइंड करके रखा है। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। ठीक है, आपको क्या करनी है, सप्लाई करनी पड़ेगी इतनी एनर्जी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ टोटल एनर्जी का फार्मूला देखो क्या आया। ठीक है, यहां पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, चीज को समझो वो क्या बोल रहा है वो। ठीक है, तो अर्थ ने बाइंड करके रखा है उतनी ही आपको टोटल एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी। सो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। मुझे बताओ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी का आंसर क्या आया, ये माइनस साइन मत भूलना, बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी रहता है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी का आंसर क्या आया, माइनस, ये देखो ये आया ना, माइनस, देखो माइनस 1/2
जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, बराबर है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, यही रहेगी आपकी कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, यही कौन सी रहेगी आपकी, बाइंडिंग एनर्जी। यहां दिख रहा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये इतना आएगा आपका कौन सा एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जब आपका सैटेलाइट क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व, ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे एक सेकंड, ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, सही है, ऐसे कुछ रिवॉल्व कर रहा होगा, तब आपको इतना अमाउंट ऑफ क्या सप्लाई करना पड़ेगा, इतनी अमाउंट ऑफ क्या सप्लाई करनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई कर, समझ में आ गया। अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, इसी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, इसका ही दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो ये तो हुई बाइंडिंग एनर्जी कब, जब आपका सैटेलाइट क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, लेकिन आपका अगर सैटेलाइट रिवॉल्व नहीं कर रहा है और अर्थ सरफेस के ऊपर है, ठीक है, देखो पहले कहा था अर्थ सरफेस के कुछ हाइट पे वो उड़ रहा था, ठीक है, सपोज देखो इस चीज को समझो, हाँ इस क्वेश्चन में और वो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें बाइंडिंग एनर्जी आपने कहा निकाली, सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, इसकी रेडियस अभी कैपिटल आर थी और हमने जो बाइंडिंग एनर्जी निकाली वो कहां पे निकाली, एट हाइट एच निकाली, ठीक है, यहां पे हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली थी, लेकिन अभी आपको जो बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है वो कहां निकालनी है, और सरफेस के ऊपर निकालनी है, एट और सरफेस मतलब यहां पे हाइट कितनी है, जीरो है, हाइट लेनी नहीं है आपको, और सरफेस के ऊपर निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 11 क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डिफाइंड बाइंडिंग एनर्जी एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कहां निकालनी है, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर निकालनी है, मतलब देखो बाइंडिंग एनर्जी का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है, अब ये चीज याद रखनी है कि कहां पूछा है, अगर बाइंडिंग एनर्जी अबव द अर्थ सरफेस पूछा है, सर्कुलर ऑर्बिट में पूछा है, तो ये डेरिवेशन है, लेकिन अगर अर्थ सरफेस के ऊपर पूछा है तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो डेरिवेशन, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप बोलोगे दोनों एक जैसी चीज है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, दोनों एक जैसी चीज नहीं है, ठीक है, तो वो चीज आपको समझनी है अभी, ठीक है। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करो, ऑलरेडी हमने बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर चुके हैं, व्हाट डू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको सप्लाई करो, सैटेलाइट को सप्लाई करो, ताकि वो अर्थ ग्रेविटेशनल से क्या हो जाए, एस्केप हो जाए, ठीक है, ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, अब देखो यहां पे वही कहानी है ना, बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या लगेगा, टोटल एनर्जी लगेगा, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बोलते हैं हम लोग, बराबर है। अब टोटल एनर्जी अगर निकालनी है तो आपको क्या क्या लगेगी, काइनेटिक एनर्जी, और प्लस क्या निकालनी पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखो अभी यहां पे क्या लिखा हुआ है, कंसीडर, मान के चलो कंसीडर स्मॉल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट रेस्ट एट द अर्थ सरफेस, अब देखो ये घूम नहीं रहा है, ठीक है, कहां रेस्ट है, अर्थ सरफेस के ऊपर रेस्ट है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर ही है, तो बोलोगे अभी घूम रहे हैं, ठीक है, अभी बताया मैंने कि आपका सैटेलाइट अभी घूम नहीं रहा है, कहां पे है, अर्थ सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट में है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है सपोज, ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसका रेडियस, और आपका जो सैटेलाइट है वो यहां पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ रेस्ट में है मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी ना, क्योंकि मोशन ही नहीं कर रहा, मोशन नहीं करेगा तो एनर्जी कितनी रहेगी, जीरो, बराबर है। तो आपको पता है ये क्या है, कैपिटल एम इज द मास ऑफ सैटेलाइट, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, एज द, देखो यहां लिखा हुआ है, एज द सैटेलाइट इज रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, क्योंकि रेस्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब कौन सी एनर्जी निकालनी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला याद रखना है, मैंने पहले कहा पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आता है, इतना आता है माइनस जी एम बाय आर, ठीक है, वो दोनों वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो आपका क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दैट इज जी, ये देखो माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब देखो यहां पे ना थोड़ा सा फर्क है, आपको ये चीज है ना थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है।
अब देखो यहां पे जब आप रेडियस जब ले रहे हो ना, ये रेडियस कैपिटल आर लेना है सर, ठीक है। अगर आपने स्मॉल आर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे बताओ यहां पे ही है ना सैटेलाइट, अभी एच पे गया क्या? एच पे गया तो आर प्लस एच होता था, दैट इज स्मॉल आर होता था, लेकिन अभी यहीं पे तो आपको ये स्मॉल आर लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब हमारा क्या क्या निकल गया, काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया और क्या निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गया। तो इस फार्मूले में रख दो, कौन से फार्मूले रख दो, ये फार्मूले में रख दो, क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस जी एम बाय आर, माइनस लगाना पड़ेगा ना, ठीक है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो जीरो का तो कुछ होगा नहीं, तो ये टोटल एनर्जी मिलेगी आपको, कितनी मिलेगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री, दैट इज टोटल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस के ऊपर। अब मुझे बताओ ये नेगेटिव साइन क्यों आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते, ये तो आपको पता है। तो आपको मिनिमम, अगर आपका सैटेलाइट अर्थ सरफेस के ऊपर है तो आपको मिनिमम इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी क्या रहती है, बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। अब मुझे बताओ ये जो टोटल एनर्जी का फार्मूला आया वो यहां पुट कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी इतनी मिलेगी, दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। तो देखो दोनों अलग अलग चीज है, बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको सर्कुलर ऑर्बिट में पूछिए जब वो घूम रहा है तब पूछिए तो आंसर क्या आता है, प्लस वन बाय टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर आता है, ठीक है, जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा हो, ठीक है। लेकिन वो अगर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है और तुमको अर्थ सर्फेस के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी कितनी है वो निकालने बोला, तो उसका आंसर क्या आता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर, क्या आता है, कैपिटल आर आता है, समझ आ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी इतनी होती है अर्थ सरफेस के ऊपर। अब क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी कहां ज्यादा होती है, अर्थ सरफेस के ऊपर ज्यादा होती है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर ज्यादा होती है मतलब जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, कि बाइंडिंग एनर्जी अर्थ सरफेस के ऊपर होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सी एनर्जी ज्यादा है, एक्सप्रेशन देख के आप बता सकते हो कहां पे एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई और चैप्टर के भी अगर लेक्चर चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में मैं आपको बता दूं ये चैप्टर का अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो मैंने ऑलरेडी जो मेरा नोट जो है वो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऑलरेडी लिंक दे चुका हूं, ठीक है, सो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर भी आ सकता है, अर्थ सरफेस के ऊपर मतलब एट हाइट एच भी आ सकता है और एट हाइट जीरो भी आ सकता है, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर भी आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, और अगला क्वेश्चन, ठीक है, वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे समझेंगे हम लोग, लगता है हम लोग चार या पांच लेक्चर में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, पूरा ग्रेविटेशन, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड स्कैप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट आपको समझना है, ठीक है। तो स्कैप वेलोसिटी समझते हैं, सबसे पहले स्कैप वेलोसिटी क्या होती है, इस चीज को समझिए, स्कैप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या चीज होती है, स्कैप ये वर्ड से आपको क्या समझ आता है, स्कैप वर्ड से हमें यह समझ आता है कि कहीं से आपको बाहर निकलना है, स्कैप करना है। तो उसके लिए जो वेलोसिटी लगती है उस वेलोसिटी को हम लोग कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, स्कैप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। देखो ये सपोज अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, और आपको सैटेलाइट को इस अर्थ, ये सैटेलाइट का मास स्मॉल एम है और ये सैटेलाइट को इसने पकड़ के रखा है, नहीं पकड़ के रखा है, कौन से फील्ड से, ग्रेविटेशनल फील्ड से इसने पकड़ के रखा है, तो इसको यहां से आपको कहां लेके जाना है, बाहर लेके जाना है, ठीक है। हम लोग कैसे लेके जाते हैं आपको पता है, लॉन्च करके, रॉकेट लॉन्च करके, उसके ऊपर का पहले वीडियो में हम देख चुके हैं, जाके वो वॉच कर लो, ठीक है। तो यहां से आपको बाहर जाना है, बाहर जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी मतलब जो वेलोसिटी लगेगी उसी वेलोसिटी को हम लोग कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, स्कैप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यहां डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या डेफिनेशन है, द मिनिमम वेलोसिटी इन विच द सैटेलाइट शुड बी प्रोजेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द अर्थ सरफेस सो दैट
इट स्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब आपको क्या करना है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से स्केप होना है, बाहर जाना है, ठीक है, निकलना है यहां से बाहर। तो इसके लिए जो वेलोसिटी लगती है उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केप वेलोसिटी कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो यहां लिखा हुआ है, कंसिडर स्मॉल एम इज द मास ऑफ स्टेशनरी, मास ऑफ स्टेशनरी सैटेलाइट, जो अर्थ सरफेस के ऊपर स्टेशनरी है फिलहाल, ठीक है, रॉकेट के टिप के ऊपर लगा रहता। अब उसको कौन से एनर्जी से उसने पकड़ के रखा है, बाइंडिंग एनर्जी से। अभी देखा है ना हमने, अर्थ सरफेस ने इसको, ये जो सैटेलाइट है उसको पकड़ के रखा है, कौन से एनर्जी से रखा है, बाइंडिंग एनर्जी से। और मुझे बताओ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी होती है, अभी निकाली हमने, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर होती है अर्थ सरफेस के ऊपर, इतनी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी एनर्जी जब दोगे तभी आपका जो सैटेलाइट है वो क्या हो जाएगा, स्कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कैप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो आपको देखो फार्मूला क्या लगाना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। अब बोलोगे सर ये प्रोजेक्शन क्या चीज है, काइनेटिक एनर्जी क्यों लग रही, अरे मुझे बताओ इसको वेलोसिटी दे रहे हैं ना आप, इसको ऊपर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपको इस बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, और इस बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो सैटेलाइट है वो काय में आ रहा, मोशन में आ रहा, और मोशन में आती ही कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जितना प्रोजेक्शन के लिए जो काइनेटिक एनर्जी लगेगी, विच इज इक्वल टू क्या लगेगी, बाइंडिंग एनर्जी, विच इज इक्वल टू क्या लगेगी, बाइंडिंग एनर्जी लगेगी। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होगा 1/2 mv² 1/2 क्या होगा, mv² इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला लगा दो, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वही होगा ना, देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, 1/2 mv² बराबर है, लेकिन ये v कौन सा रहेगा, स्केप वाला रहेगा ना, अरे स्केप वेलोसिटी है ना वो, सो 1/2 mve² इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, इसको इक्वेट कर देंगे, बराबर है। अब क्या हमको कौन सी एनर्जी कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, स्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो ये 1/2 और स्मॉल एम का इधर काम है क्या, नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, ये स्मॉल एम भी कट हो सकता है ना हमारा, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल एम है इधर भी है, कट कर दो, ठीक है, ये 1/2 इधर है, इधर भगा दो, तो यहाँ और न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ve² का वैल्यू निकल जाएगा, ve² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2gm/r। अगर इसको स्क्वायर रूट लेते हैं तो ve का स्क्वायर रूट क्या होगा, ve होगा, और ये कहां चला जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। तो स्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या मिलेगा, स्केप वेलोसिटी मिलेगी 2gm/R, ये हो जाएगी आपकी स्केप वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी स्केप वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ये होगी स्केप वेलोसिटी, ठीक है, अब क्वेश्चन एग्जाम में एक तो स्केप वेलोसिटी का आता, नहीं तो क्रिटिकल वेलोसिटी का आता। स्केप वेलोसिटी अगर पूछा तो यहां तक ही लिखना है, इससे आगे मत बढ़ो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही लिखे तो सफिशियंट है। स्केप वेलोसिटी का फार्मूला याद रखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r, ठीक है, MHT CET वाले फार्मूले थोड़े से लिखते जाओ, ठीक है, फार्मूले एक जगह जमा कर दो। साथ में हमने कल कौन सी वेलोसिटी निकाले थे, कौन सी वेलोसिटी निकाले थे, क्रिटिकल वेलोसिटी भी निकाले थे, क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला ये है, ठीक है। अब देखो दोनों में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको याद रखना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है उस तरीके का कि स्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी इनके फार्मूले में फर्क क्या है। यहाँ एक क्वेश्चन है, ये देखो स्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी इसके बीच में फर्क क्या है, ये फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। जो आपका स्केप वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r आता है, और जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट ऑफ gm/r आता है, ये थोड़ी सी चीज याद रखोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले के सिलेबस में आता था, अभी के सिलेबस में जनरली नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा देख के रखना है, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, आप देख भी लोगे तो आपको समझ जाएगा, ठीक है गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू सो मच।